हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पार्टन ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पे आप एक ब्यूटीफुल इमेज देख रहे हैं, ये कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी से ली गई है। माउस एम्ब्रियोनिक फाइब्रोब्लास्ट सेल है ये, और यहाँ पे जो आप पर्पल कलर का पूरा एक जाल देख रहे हैं, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं। पूरा जैसे हमारा स्केलेटन होता है बोन्स वगैरह से बना हुआ, वैसे ही सेल का साइटोस्केलेटन होता है, और उसका एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ये एक्टिन फिलामेंट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वेरी सून। आई थिंक आपको मोस्ट लाइकली आपने पढ़ा होगा, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्टिन फिलामेंट से आप पक चुके होंगे, पूरा एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन वगैरह, राइट। और दूसरा है यहाँ पर गॉल्गी एपरेटस, ये जो ऑरेंज में आपको दिख रहे हैं पटाखे से उड़ते हुए, वो गॉल्गी एपरेटस है। और बीच में ये जो ब्लू कलर का राइट आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस। तो अभी तक हमारे जो लेक्चर्स हैं वो हम सेल के बॉर्डर के आसपास घूम रहे हैं, तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात हो रही थी, और अभी हमने सेल वॉल का लेक्चर डिस्कस किया है। तो अब हम पूरा हेडक्वार्टर में जा रहे हैं, तो ये है न्यूक्लियस, यहीं से सारी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट होती हैं सेल की। तो न्यूक्लियस के दो चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे, एक तो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर और दूसरा न्यूक्लियस का ट्रैफिक, मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, यहाँ पे जो आयात निर्यात होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपको कि एक न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में और एक बास्केटबॉल का जो हूप होता है उसमें क्या सिमिलैरिटी है, राइट। सी इफ यू कैन गेस इट, एक बास्केटबॉल का जो हूप होता है और न्यूक्लियस में क्या सिमिलैरिटी है। सो आप में से जिन्होंने न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर देखा होगा उनको ये शायद फेमिलियर लगे। तो न्यूक्लियर पोर का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है जैसे एक बास्केटबॉल का हूप होता है, उससे भी ज़्यादा सुंदर होता है इन माई ओपिनियन, बट उसका स्ट्रक्चर देखते हैं आज। तो चलिए न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस बेसिकली हर एक यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में होता है, ऑलमोस्ट हर एक यूकैरियोटिक सेल में। कईयों में जो न्यूक्लियस है वो लॉस्ट हो जाता है, जैसे RBCs है वहाँ पे न्यूक्लियस, इट इज़ लॉस्ट। RBCs बेसिकली रह जाते हैं एज ए बैग ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स, तो वो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आप छोटे से छोटे यूकैरियोटिक सेल से लेके इवन लार्जेस्ट यूकैरियोटिक सेल तक बहुत वैरायटी है उनके स्ट्रक्चर्स में, न्यूक्लियस जरूर होता है। सो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियस बेसिकली कीप्स द DNA, इट कीप्स द जेनेटिक मटेरियल, और इसके साथ यहाँ से, लेकिन क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो सारी इंस्ट्रक्शंस देता है सेल को, तो मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे होता है। और पूरा जेनेटिक मटीरियल संभाल के रखना, उसका एक्सप्रेशन करना, उसका रेप्लीकेशन करना, वो सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो DNA है न्यूक्लियस के अंदर होता है उस, वो प्रोटीन्स के साथ बहुत मिक्स्ड होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, काफ़ी और प्रोटीन्स भी होते हैं, तो इसको हम क्रोमेटिन कह देते हैं, ओके, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन। ये जो न्यूक्लियस के जो डीएनए होता है और न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं, तो न्यूक्लियर प्रोटीन्स प्लस डीएनए, ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनेल टाइप समझ सकते हैं या स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, और ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग कंडेंस्ड बॉडी है। यहाँ पे राइबोसोमल RNA सिंथेसिस होता है, राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, तो उसके जो जीन्स होते हैं ये यहीं पे होते हैं। राइबोसोमल RNA वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सेल, क्योंकि राइबोसोम्स के जो स्ट्रक्चरल RNA होते हैं वो राइबोसोमल RNA होते हैं, और यहाँ पे एक्सटेंसिव वेरी हैवी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है ऑलमोस्ट हर वक्त, राइट, ये कॉन्स्टेंटली दिन रात लंगर चल रहा है यहाँ पे, ओके, सो वेरी वेरी एक्टिव एरिया ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, हालांकि ये रियल इमेज नहीं है, जो पिछला फोटो था वो रियल इमेज था, तो वहाँ पे ये आप जो क्रोमेटिन देख सकते हैं और ये न्यूक्लियोलस है यहाँ पे, तो ये रियल इमेज है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली हुई, ये एक स्कीमेटिक काइंड ऑफ ड्रॉइंग है। सो यहाँ पे लेकिन आपको स्ट्रक्चर्स क्लियरली दिख सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन होती है और डबल बायलेयर होती है, दो दो बायलेयर्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, और एक इनके बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है और आउटर मेम्ब्रेन होती है उनके जो फंक्शंस हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनके साथ जो स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियर लैमिना एसोसिएटेड होती है, ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मेशवर्क होता है, और इसमें लैमिन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये पूरे जो डीएनए को
संभालने के लिए पूरा जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करते हैं, तो आप इसको एक तरह से फ्रेमवर्क मान सकते हैं। और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तो कॉन्टिन्यूस होती है और वहां पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तो वेरी वेरी एक्टिव एरिया ऑफ द सेल। इसके अलावा यहां पे न्यूक्लियोलस की हमने बात की, तो वो न्यूक्लियोलस यहां पे है। डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमेटिन, तो वो न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो प्रोटीन के साथ मिक्स्ड है। इसके साथ जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है उसमें एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है, एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, और यही है हमारा बास्केटबॉल का हूप, राइट। तो यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो यहां पे आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और बीच में जो वाइट है वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ईआर के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल, उसके साथ कंटिन्यूअस होती है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये है न्यूक्लियर पोर्स। एक सेल में अराउंड 500 टू 1000 न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनका स्ट्रक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और उससे पहले ये है न्यूक्लियर लैमिना, और यहां पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स और लैमिना दोनों दिख रहे हैं। ये है जो येलो में आपको दिख रहा है, ये है न्यूक्लियर लैमिना, और ये है न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्सेस। ये है न्यूक्लियर पोर, और ये ओओसाइट ऑफ द न्यूट, जो न्यूट होते हैं उनके ओओसाइट्स में से ये आइडेंटिफाई किया गया है। ये नेगेटिव स्टेनिंग से ये इमेज मिली है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से मिली है। इसमें आप एट फोल्ड सिमेट्री देख सकते हैं, मे बी नॉट क्लियर इन दिस स्मॉल इमेज, बट यू कैन लुक इट अप इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। तो इसमें एट फोल्ड सिमेट्री होती है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, सो यहाँ पर आप न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का पूरा बास्केटबॉल हूप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इधर की तरफ साइटोसोल है और इधर है न्यूक्लियस, सो इनसाइड द न्यूक्लियस। सो यहाँ पर ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, ये इसका बेसिकली कट करके पोर्शन दिखाया गया है एज ए डायग्राम। तो यहाँ पर पहले ऊपर न्यूक्लियस है, साइटोसोल की तरफ ये फिब्रिल्स निकल रहे होते हैं, तो ये और भी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, बास्केटबॉल हूप में नहीं होता है ये। नीचे बास्केटबॉल हूप पूरा बनाया हुआ है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर बास्केट। तो ये न्यूक्लियर बास्केट है, और यहाँ पे बहुत सारे फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बीच में चैनल होता है इसके, जिसके थ्रू चीज़ें आ जा सकती हैं। दिस चैनल इज वेरी वेरी वाइड, अबाउट 30 टाइम्स द साइज ऑफ अ राइबोसोम, इट इज अ वेरी ह्यूज एरिया। तो काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहां से हो रहा है, और बीच में यहां पर आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर एनवेलप है, और ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स है। तो ये है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, यहां पर आप और इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो प्रोटीन्स हैं, जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में जो प्रोटीन्स होते हैं इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोरिन्स। तो इनको जो नाम आप लिटरेचर में देखोगे तो वो NUP35, NUP16, NUP21 इस तरह उनके नाम रखे हुए हैं। इनमें फिनाइल एलानिन और ग्लाइसिन के रिपीट्स होते हैं, तो इसीलिए इनको FG रिपीट्स कहते हैं, क्योंकि जो फिनाइल एलानिन है उसका वन लेटर कोड जो है वो F है, ग्लाइसिन का G है। फिनाइल एलानिन और ग्लाइसिन के मिले हुए रिपीट्स होते हैं, तो कई बार FG इस तरह रिपीट्स होते हैं, और इनके साथ जो न्यूक्लियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो प्रोटीन्स है वो बाइंड करते हैं। तो न्यूक्लियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता क्या क्या है, क्या क्या इंपोर्ट होता है और क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, राइट। जस्ट लाइक एनी कंट्री, कुछ स्पेसिफिक आइटम्स इंपोर्ट होती हैं, कुछ स्पेसिफिक आइटम्स एक्सपोर्ट होती हैं। इंपोर्ट क्या होता है न्यूक्लियस में, तो डीएनए को पूरा कॉम्पैक्ट करने के लिए यूकेरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हिस्टोन्स इंपोर्ट होते हैं, साइटोसोल में बनते हैं, न्यूक्लियस में इंपोर्ट होते हैं। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के लिए, फिर स्प्लाइसिंग प्रोटीन्स, स्प्लाइसिंग आरएनए, और सबसे ज्यादा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, राइट।
आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ पढ़ के दुखी हो गए होंगे कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, एक्टिवेटर्स हैं, रिप्रेसर्स हैं, क्रोमेटिन रिमॉडलर्स हैं, सब इन्होंने यहीं पे इंपोर्ट ही होना है क्योंकि वो सब साइटोसोल में सिंथेसाइज होते हैं। और एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होते हैं मेजर तौर पे आरएनएज, चाहे वो एमआरएनएज हो स्प्लाइसिंग के बाद एक्सपोर्ट होते हैं, चाहे वो राइबोसोमल आरएनएज हो, चाहे वो टीआरएनएज हो, चाहे वो एसआईआरएनएज हो, चाहे वो एमआईआरएनएज हो, सब तरह के आरएनएज जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। और राइबोसोम्स का बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि राइबोसोम्स का जो आरएनए पार्ट है वो तो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है। राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो राइबोसोम का बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, तो आई विल जस्ट पॉइंट आउट हियर, राइबोसोम के लिए राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस में बनता है। राइबोसोमल प्रोटीन्स जो हैं बनते हैं वो साइटोसोल में, लेकिन उनका एमआरएनए कहां बनता है? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस से एमआरएनए बनता है और चला जाता है साइटोसोल में। और यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग मशीनरी है, पता नहीं सेल कैसे कोऑर्डिनेट करता है इस पूरे ट्रैफिक को, अभी भी बहुत रिसर्च चल रही है इस पे। लेकिन आप देखिए, न्यूक्लियस में राइबोसोमल प्रोटीन का एमआरएनए बनेगा, बाहर जाएगा, सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन वापस आएगा न्यूक्लियस में, वापस आएगा न्यूक्लियस में जो राइबोसोमल आरएनए है उसके साथ एसोसिएट होके पूरा राइबोसोम बनेगा और फिर दोबारा एक्सपोर्ट होगा। राइट, जस्ट माइंड बॉगलिंग। राइट, जो डिटेल है यहां पे जस्ट अमेजिंग है। और कोई भी प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो कौन बताता है? तो इसमें काफी अच्छी रिसर्च हुई है, 1980s में ये पहले आइडेंटिफाई हुआ है, 1984 में पहला पेपर इसके लिए पब्लिश हुआ। एंड नाउ वी नो दैट द थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग कि एक न्यूक्लियस में जाना है किसी प्रोटीन ने या न्यूक्लियस से बाहर आना है, तो वो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल कहते हैं उसको, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल या NLS। तो इसका आपको सीक्वेंस मैं बता देता हूं, तो आई हैव रिटन माय नोट्स, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई प्रोटीन न्यूक्लियस में इंपोर्ट होना होता है तो इंपोर्ट के लिए एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, इट इज दिस PPKKKRKV। मतलब प्रोलीन प्रोलीन लाइसिन 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 आर्जिनिन लाइसिन एंड वैलिन। और एक्सपोर्ट के लिए कोई प्रोटीन अगर एक्सपोर्ट होना है तो दैट इज MEELSQALASF। याद मत करिए, राइट, कहीं पे नहीं आना है, राइट, यू कैन ऑलवेज लुक इट अप। मेथियोनीन ग्लूटामिक एसिड ल्यूसीन सीरीन ग्लूटामीन एंड देन एलानीन ल्यूसीन एलानीन सीरीन सीरीन फिनाइल एलानीन और फेनिल एलानीन, जैसे भी आप इसको बुलाना चाहें। तो ये प्रोटीन में कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एन टर्मिनस पे ही होगा या सी टर्मिनस पे ही होगा या मिडल में ही होगा, कहीं पे भी हो सकता है। और आप किसी भी प्रोटीन को अगर आपने उसको इंपोर्ट कराना है न्यूक्लियस में तो ये वाला सीक्वेंस आप यूज कर सकते हैं, उसके साथ अटैच कर सकते हैं यूजिंग क्लोनिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो प्रोटीन बिल्कुल पक्के तौर पे न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा। और अगर आपने न्यूक्लियस से बाहर निकलवाना है उसको तो ये वाला सीक्वेंस यूज कर लीजिए। तो इट इज जस्ट लाइक द एड्रेस टैग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन। तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को बहुत अच्छी तरह टेस्ट भी किया गया है, जैसे ये टी एंटीजन है तो इसका नॉर्मल लोकलाइजेशन सिग्नल यूज करके इसको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से देखा गया है, तो बहुत ही अच्छा सिग्नल जो है वो न्यूक्लियस में प्रॉपरली मिलता है। और ये लाइसिन 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 आर्जिनिन लाइसिन, ये इसका न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है। और इसको क्लोनिंग की वजह से या क्लोनिंग को यूज करके और म्यूटेजेनेसिस यूज करके इसको वेल करेक्टराइज किया जा सकता है कि कहाँ पे इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर हमने इस सीक्वेंस को म्यूटेट कर दिया राइट, तो यहाँ पर थ्रियोनिन लगा दिया तो एकदम से न्यूक्लियस से बाहर सारे साइटोसोल में फ्लोरेसेंस फैल गई, राइट, इट इज ऑल प्रेजेंट इन दी साइटोसोल और पूरा खाली आपको न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे, मतलब नहीं हो रहा है इम्पोर्ट, राइट। सो वेरी ब्यूटिफुल एंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, इससे पक्का पता लग रहा है कि ये जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है। तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को रिकॉग्नाइज कौन करता है? ये तो हो गया कि हमारे पास एड्रेस टैग है, लेकिन पोस्टमैन कौन है?
तो पोस्टमैन है न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर्स, NIR, न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर्स, एंड न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर्स। तो दोनों रिसेप्टर हैं हमारे पास, और जाहिर सी बात है ये प्रोटीन्स हैं। तो ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स को, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो चाहे इंपोर्ट का हो, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। कई बार साथ में और अडैप्टर प्रोटीन्स भी होते हैं, उनके थ्रू भी रिकॉग्नाइज करते हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और फिर ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है उसके साथ एसोसिएट करके इनका आयात निर्यात होता है। बहुत ही फास्ट होता है, अबाउट 10,000 मॉलिक्यूल्स आर पास्ड पर सेकेंड थ्रू अ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, राइट, जस्ट अमेजिंग। तो इसमें एक खास प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो है रैन GTPase। ये एक रैन प्रोटीन है, ये GTP बाइंडिंग प्रोटीन है। यहाँ पे इसका मोनोमर दिखाया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये GTP है, राइट, इसका बाउंड GTP दिखाया हुआ है यहाँ पे। वैसे ये टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है, यहाँ पे मोनोमर दिखाया हुआ है, राइट। सो ये कैसे न्यूक्लियस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है वो देखते हैं। तो रैन जो है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक है GTP बाउंड फॉर्म और एक GDP बाउंड फॉर्म। सो रैन GDP और रैन GTP, और ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो अलग अलग जगह में होती हैं। रैन GDP जो होता है वो साइटोसोल में होता है, और रैन GTP जो है वो न्यूक्लियस में होता है। होता रैन प्रोटीन ही है, लेकिन एक में GTP एसोसिएटेड है और एक में GDP एसोसिएटेड है, ओके। और इनमें GTP GDP एक्सचेंज कौन करता है, ये दो प्रोटीन्स हैं। जो रैन GTP है, तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं, रैन GTP, ये एक GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन गैप, ये इसका GTP जो है वो हाइड्रोलाइज कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है रैन GDP में। और ये GAP कहां पर होता है, ये होता है साइटोसोल में। तो इसलिए साइटोसोल में आते ही रैन GTP जो है वो GDP में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं ये है रैन GAP, और रैन GDP को डिसोसिएट करवा के साथ में GTP अटैच करना, वो काम है GEF का। GEF, जेफ, जेफ स्टैंड्स फॉर ग्वानीन एक्सचेंज फैक्टर, मतलब बेसिकली GDP की जगह GTP लगाना इसका काम है। और रैन जेफ जो है आप गैस कर ही सकते हैं वो कहां पे होता है, न्यूक्लियस में। सो ये जो शटलिंग है ये होती रहती है रैन GDP में और रैन GTP में। अब देखते हैं कि ये न्यूक्लियर इंपोर्ट कैसे होता है और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कैसे होता है, और रैन GTPase ही काम करता है ये। तो न्यूक्लियर इंपोर्ट पे आते हैं पहले। तो न्यूक्लियर इंपोर्ट का मतलब क्या है, कि साइटोसोल में कोई प्रोटीन पड़ा है और उसने आना है न्यूक्लियस में। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है या कोई हिस्टोन प्रोटीन है, राइट। सो कोई प्रोटीन बना, जैसे हिस्टोन प्रोटीन बना, हिस्टोन H1 समझ लेते हैं, चलिए हिस्टोन H1 बना, उसमें न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है। उसके साथ पहले यहां पे ब्लू में शो किया हुआ है, ये है न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर NIR, ये इसके साथ एसोसिएट कर जाता है। एसोसिएट करके ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है उसके जो साइटोसोल की तरफ फिब्रिल्स होते हैं उनके साथ ये अटैच हो जाता है। अटैच होके टम्बलिंग वे से रैंडम वॉक जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, उसके थ्रू ये न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाता है। और न्यूक्लियस में पहुंचते ही रैन GTP इसको पकड़ लेता है। रैन GTP मतलब रैन प्रोटीन विद अ बाउंड GTP, कि जैसे ही इसको पकड़ता है तो दोनों बेसिकली सेपरेट हो जाते हैं। ये न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर के साथ एसोसिएट कर जाता है रैन प्रोटीन, और जो प्रोटीन था जैसे हिस्टोन था वो अलग होके न्यूक्लियस में डिलीवर हो जाता है। इसके बाद रैन GTP और न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर जो हैं वो उसी रास्ते से बाहर की तरफ चले जाते हैं। बाहर जाते ही बाहर बैठा है GAP, GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। उससे क्या होता है कि वो रैन जो है GTP की जगह GDP में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर भी डिसोसिएट हो जाता है। तो इस तरह न्यूक्लियर इंपोर्ट होता है, लोकलाइजेशन सिग्नल है वो उसके साथ न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर एसोसिएट करेगा, न्यूक्लियस के अंदर आएगा, रैन GTP उसको पकड़ के उन दोनों को अलग कर देगा। दैट इज दी
न्यूक्लियर इंपोर्ट। अब आते हैं एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट का भी बड़ा ही सिमिलर मैकेनिज्म है। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि अभी प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, उसने बाहर जाना है, साइटोसोल में डिलीवर होना है। तो उस केस में रैन जीटीपी जो है वो बाइंड करेगा न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर को न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस एक्सपोर्ट रिसेप्टर के साथ रैन जीटीपी बाइंड करेगा और ये दोनों बाइंड करेंगे उस प्रोटीन को जिसने बाहर जाना है। तो तीन चीज़ें एक कॉम्प्लेक्स में इकट्ठी हो गई। इसके साथ फिर वो न्यूक्लियर पो कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएट करते हैं, बाहर आ जाते हैं। बाहर कौन है हमें पता ही है, बाहर फिर गैप प्रोटीन एसोसिएटेड है, राइट, वो प्रेजेंट है। उसने क्या करना है, रैन जीटीपी को रैन जीडीपी में कन्वर्ट कर देना है और पूरा कॉम्प्लेक्स तभी की तभी बिखर जाता है। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर अलग, कार्गो प्रोटीन डिलीवर हो गया साइटोसोल में और रैन प्रोटीन जीडीपी के साथ एसोसिएटेड होता है। और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर जो है वो बाय सम अननोन मैकेनिज्म, वी डोंट नो, शायद डिफ्यूजन वगैरह से न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर दोबारा न्यूक्लियस में पहुंच जाता है। सो दिस इज हाउ न्यूक्लियर एक्सपोर्ट वर्क्स। तो ये न्यूक्लियस और साइटोसोल में जो ट्रैफिक है वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन है और उसका स्ट्रक्चर है, हिट्रोक्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन है, डीएनए के सारे फॉर्म्स हैं, उनका सारा तामझाम हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। सो सी यू इन दैट लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।